ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस लोकसभा चुनाव में हिमाचल में बीजेपी ने अब की बार चार की चार सीटों पर मार्जिन जीत हासिल की है, जिसका श्रेय मोदी सरकार की पांच साल की उपलब्धियों व सकारात्मक व्यक्तित्व के साथ साथ राज्य की जयराम सरकार की सवा साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का पर भी जाता है। बीजेपी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी रणधीर शर्मा ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि विडंबना है कि कांग्रेस प्रत्याशी ना अपने गृह जिला और ना ही अपने गृह हलके में लीड ले पाए हैं। बिलासपुर जिला से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर को 67,154 जबकि नैना देवी हलके से 10,833 मतों की लीड मिली है, जिससे साबित हो जाता है कि विधायक जनता के बीच अपना विश्वास खो चुके हैं। इस लिहाज से उन्हें नैतिकता के आधार पर अपने विधायक पद से भी त्याग पत्र देना चाहिए। रणधीर शर्मा ने कहा कि इस बार के चुनाव में सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों से बीजेपी के पक्ष में जोरदार वोटिंग हुई, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का विधानसभा क्षेत्र हो या फिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का विधानसभा क्षेत्र ही क्यों ना हो। हर हलके में बीजेपी को जबरदस्त बढ़त मिली है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को हार्दिक बधाई तथा राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पार्टी के राज्य अध्यक्ष सतपाल सत्ती को भी वे बधाई देते हैं। इसके अलावा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश के मतदाताओं, नेताओं व कार्यकर्ताओं का आभार है, जिनकी कड़ी मेहनत व लगन की बदौलत आज बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि चुनाव में इस बार प्रदेश ने लगभग 70% पूरे देश में सर्वाधिक प्रतिशत आंका गया है, जबकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 68% वोटिंग ने एक बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी कायम किया है। बिल्कुल, अभी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में 69.2% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, जो कि एक रिकॉर्ड भी है और हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी को मिले वोटों में सबसे ज़्यादा है। एक मिनट। निश्चित रूप से अभी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 69.2% वोट मिले हैं, जो कि एक रिकॉर्ड भी है और पूरे देश में किसी राज्य को मिले मत प्रतिशत में सबसे ज़्यादा भी है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के कारण तथा उनकी सरकार की शानदार उपलब्धियों के बल पर और हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 1.25 साल के कार्यकाल में लिए गए जनहितैषी फैसलों के कारण संभव हुआ है, जिसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को बहुत बहुत बधाई देती है और उनका धन्यवाद करती है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के समस्त नेताओं का, चाहे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी हों, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी हों, आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा हों, चाहे हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती जी हों, चारों हमारे सांसद उम्मीदवार हों और सभी मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकों ने तथा समस्त पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो दिन रात मेहनत की है उसका ये परिणाम है, इसलिए उनका भी भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद करती है और हिमाचल की समस्त जनता जिसने इतने ज़्यादा वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को इतनी रिकॉर्ड ऐतिहासिक बढ़त दिलाई है उनका भी आभार प्रकट करती है।